अच्छा जी बाबू यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, चलो देखिए जोड़ाई हुई है डांस करने के लिए। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल सोनम प्रिया ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज है सरहुल, झारखंड का सबसे फेमस त्यौहार, इतना ज्यादा एकदम उत्साह और उल्लास से मनाया जाता है ना कि क्या बोले। रांची में तो और ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि ना सुबह से ही देख रहे हैं एकदम पूरा डांस गाना सब एकदम पूरा बाजा वगैरह डीजे वगैरह सब लगा हुआ है और एकदम इतना गाना बज रहा है ना कि ऐसा लग रहा है कब जाए देखने के लिए, कब जाए देखने के लिए। तो अभी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब अभी शाम हो गया है, तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग भी देख के आते हैं, क्योंकि ना हम लोग का गाँव तरफ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है डांस गाना डीजे वीजे कुछ नहीं होता है। हम लोग का घर जो होते हैं ना पहान वो आते हैं और सरई का जो फूल होता है सखुआ का वो फूल को खोसा जाता है द्वार पर, और जो आते हैं जो भी लोग आएंगे दो जन आएंगे तो उन लोग का पैर धोया जाता है हल्दी और तेल लगाकर, और उसका पानी को छान में फेंका जाता है, ऐसे डेगना वेगना नहीं है तो उसको ऊपर छान में ही फेंक देते हैं, और फिर प्रणाम करके जो भी थोड़ा बहुत घर का जैसे चावल हो गया गेहूँ हो गया जो आप देने सकेगा वो सब देना है, और उसके बाद हम लोग चल जाएंगे। ऐसा ही बस यही नियम होता है हम लोग का घर तरफ, लेकिन यहाँ तो देख रहे एकदम पूरा इतना धूमधाम से मनाया जाता है ना कि क्या बोले, एकदम पूरा सोच रहे कब जाए देखने के लिए, एकदम पूरा मन एकदम उधर ही एकदम खींच रहा है कि कब जाए। तो अभी शाम हो चुका है दोस्तों, तो रेडी होते हैं, तब तक रेडी वगैरह होंगे तब तक उधर स्टार्ट भी हो जाएगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट हो गया होगा लेकिन ना जैसे उन लोग का पूजा वूजा रहता है तो वो सब चढ़ाव उढ़ाव फूल वगैरह सब चढ़ाते हैं, उसके बाद ही फिर डांस गाना होता है, तो अभी टाइम है तो अभी हम सोच रहे हैं तब तक रेडी हो जाते हैं और फिर वहाँ पहुँच के रेडी रहते हैं, कब स्टार्ट हो जाए मिस ना हो जाए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, फिर उन लोग को उधर नाचते नाचते बहुत दूर जाना पड़ता है, पूरा एकदम रांची भ्रमण करते हैं, तो इधर हम पास में ही जाएंगे पूरा तो घूमेंगे नहीं, तो हमको जल्दी जाना पड़ेगा तब ना देख पाएंगे। तो फटाफट रेडी होते हैं, रंगीला अभी खेलने के लिए गया है तो उसको बुलाते हैं और रेडी करते हैं उसको भी, और हम भी रेडी होते हैं फटाफट और निकलेंगे, चलते हैं पहले रेडी होते हैं। तो हम लोग तैयार हो गए दोस्तों, पूरा रेडी हो गए हैं, अब चलते हैं, तभी से एकदम गाना वगैरह बज रहा है ना, तभी से हमको एकदम लग रहा है कब पहुंचे देखिए, और रंगीला भी रेडी हो गया है, कब अब अब चलते हैं देखने के लिए, नाचेगा ना क्या है नहीं डांस करेगा, वहां पूरा डांस होता है, पूरा लड़की सब डांस करती है, लड़का सब डांस करता है, पूरा एकदम सब बच्चा सब भी, छोटा छोटा बच्चा सब भी, तेरा इतना बच्चा सब भी डांस करता है सबको। चलो हम लोग वहां देखेंगे ठीक, तो चलते हैं दोस्तों निकलते हैं, और लाइट भी आज ना काट दिया है तो चलते हैं। हाँ तो पैसा भी देंगे तो चलेगा तब ना, यहाँ क्या करेगा, यहाँ क्या करेगा पैसा उधर ना काम है। हाँ तो चलो ना देंगे, चलो हाँ तो रहो यहीं पर ठीक, हाँ रहो जब सो जा जब सो जा, गुड बॉय सो, तो हम आ रहे हैं ठीक, सो जा, वेरी गुड, ऐसे ही बच्चा तो होना चाहिए, मेरा भी खर्चा बच जाएगा और तू भी आराम से घर में सोया रहेगा ठीक, ओके बाय। रंगीला नहीं जाने खोज रहा है दोस्तों, तो हम चलते हैं अकेले, देखिए पीछे से आ रहा है, आ जाओ चल 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 उधर देंगे पैसे, हाँ तो उधर देंगे चलो ना। चलते हैं दोस्तों निकलते हैं फटाफट, तो ताला लॉक कर लिया दोस्तों, अब निकलते हैं चलो बाबू फटाफट चलते हैं, देख के आते हैं, थोड़ा बहुत डांस भी करेंगे, ये मेरा रांची में पहला है सरहुल, देखेंगे कैसा होता है, चलो बाबू। रंगीला एकदम पूरा एक्साइटेड है जाने के लिए, तो हम लोग निकल गए हैं दोस्तों, अभी रास्ता में है कब बाबू, ज़्यादा दूर नहीं है तो हम लोग पैदल पैदल ही जाएंगे, तो चलते हैं धीरे धीरे, अभी टाइम नहीं हुआ है, और आज मौसम ना इतना अच्छा किया हुआ है ना,
ना धूप है ना बरसात हो रहा है, कुछ नहीं, हवा आंधी कुछ नहीं, ब्रह्मास्त मौसम किया हुआ है। एकदम डांस करने में भी मजा आएगा। रंगीला भी डांस करेगा क्या बाबू? डांस करेगा ना। चलो तो हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं दोस्तों आखरा में। देखिए रंगीला पूरा अभी से नाच रहा है। देखिए उधर और साइड साइड में झंडा लगा हुआ है, और उधर देखिए बहुत सारी लड़की सब रेडी होके लाल पार साड़ी में देखिए नाचने के लिए रेडी हो रही है, और सभी लोग जा रहे हैं अभी, तो हम लोग भी जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं आखरा में, देखते हैं। जल्दी चलिए। ठीक है चलो। तो शाम शाम आ जाते हैं। हाँ हाँ चलो। देखिए छोटी छोटी लड़की सब साड़ी पहनी हुई है लाल पार कर, अभी खा रही है प्रसाद। देखिए इधर मिल रहा है प्रसाद, तो हम भी ले लिए दोस्तों प्रसाद, चना और गुड़। तो अब चलते हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और सब ना जितना भी लड़की जो है सब साड़ी पहनी हुई है, पीछे दिख रहा होगा आप लोग को, और आगे भी देखिए सब लड़की सब कैसा कैसा ड्रेस पहनी हुई है। तो चलते हैं, एकदम पूरा बाजा बज रहा है एकदम पूरा। तो चलते हैं, और आगे भीड़ है बहुत ज़्यादा। देखिए देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा, और अभी वहाँ पर लड़की सब डांस कर रही है, तो देखते हैं हम भी, बहुत भीड़ है। देखिए रंगीला अभी यहाँ पर खेल रहा है आखरा में, यही वाला आखरा है दोस्तों सराय का। देखिए इधर आ बाबू, नहीं आ बाबू आओ, ये वाला प्रचार हो रहा था। देखिए इसी का पूजा होता है, सरना यही वाला है, सराय का ही पूजा होता है सरहुल में। तो सरहुल अभी गाड़ा गया है यहीं पर, पूरा देखिए कितना सारा लड़की सब है, बहुत सारी लड़की सब है यहाँ पर डांस करने के लिए आई हुई है, बहुत सारा। देखिए पूरा यहाँ पर ना लड़की का ही भीड़ है बस। तो हम अभी आखरा में बैठे हैं और अभी खा रहे हैं प्रसाद मिला है, खेल रहा ऊपर। देखिए वो रहा डीजे, देखिए कितनी सारी लड़की सब है, बाप रे इतना ज्यादा भीड़, आखरा है ना इसीलिए सब यहीं पर डांस कर रही है। और देखिए बाजा गाड़ी भी इधर ही आ गया है, प्रकृति पर्व सरहुल पूजा महोत्सव। देखिए जोड़ाई हुई है डांस करने के लिए। तो मेरी एक फ्रेंड मिल गई है दोस्तों यहाँ पे, सरहुल डांस करने आई हुई थी, मिल गए जाएगा। देखिए अभी सभी लोग जा रहे हैं उधर, हम लोग भी निकल रहे हैं। अच्छा जी बाबू यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, चलो बहुत ज्यादा भीड़ है, देखिए कितना भीड़ है बाप रे। देखिए सभी को अभी 9-10 बजे रात तक डांस करेंगे, पूरा रांची भ्रमण होता है। वापस जा रहे हैं दोस्तों रूम, बाजा गाड़ी आगे चल गया और सभी लोग नाचने वाले आगे चल गए हैं, क्योंकि ना हम लोग का 9-10 बजे रात तक भ्रमण करेंगे और पूरा नाचते गाते, तो हम लोग उतना देर तक नहीं ना रुकेंगे। और रंगीला है तो इसको इतना ज़्यादा भीड़ है ना कि चिपा उपा जाएगा तो बहुत डेंजर है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ था, इसीलिए हम लोग अभी जा रहे हैं घर वापस रूम। देखिए रास्ता में खरीद लिए हैं मिक्सचर वगैरह, इस नहीं खाते हैं। और देखिए अभी रंगीला आइसक्रीम खा रहा है, आइसक्रीम लिया है ना बाबू। चलो खाते जाओ। हाँ चलो खाओ।
तो अभी हम लोग चल रहे हैं रूम, कुछ खाए नहीं, यही सब खरीदे हैं, वही घर जाके खाएंगे। चलो तो हम लोग रूम पहुंच गए दोस्तों, और आज ना लगता है लाइन नहीं आएगा, 9-10 बजे के बाद ही लाइट आएगा, तो वेट करते हैं कब तक लाइन आता है, क्योंकि ना सरहुल का पर्व चल रहा है और साथ में ईद भी है, तो दोनों के चलते शायद लाइन कटा हुआ है। हो सकता है जैसे इतना आदमी भीड़ भड़ाका रहता है ना, तो डर रहता है करंट वरेंट का, इसीलिए शायद काट दिए हैं। तो देखते हैं उन लोगों का, शायद सरहुल खत्म हो जाएगा ना डांस वगैरह, तब लाइट आएगा, तो देखते हैं, वेट करते हैं। और आते वक्त दोस्तों रास्ता में हम लोग कुछ सामान खरीद लिए हैं, देखिए चावल खरीदे हैं, ये वाला तो आप लोग को दिखाए थे मिक्सचर, और ये है मूंग दाल, और चना दाल खरीदे हैं तड़का बनाने के लिए, और ये सेवई है, और ये एक है सरसों का तेल छोटा वाला खरीद लिए हैं। क्या बाबू क्यों ऐसे ही छोटा ही वाला खरीदे हैं, और फ्रूटी लिया था, देखिए फ्रूटी उधर पी के और फेंक दिया, इतना ज़्यादा खाता है ना, बहुत खाते रहता है, एकदम खाते और पीते ही रहता है ना। अभी तो लाइट नहीं आएगा, तुम पढ़ाई कैसे करेगा, लाइट का अभी वेट करते हैं दोस्तों, और चलते हैं कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं, लाइट आएगा ना उसके बाद ही खाना खाएंगे, खाना बना हुआ है, सुबह बनाए थे ना तो वो सब बचा हुआ है, तो वही वाला गर्म करके खाएंगे, तो लाइट का वेट करते हैं, और कपड़ा वगैरह चेंज करके थोड़ा सा आराम करते हैं, पूरा एकदम बहुत ज़्यादा थक गए वहाँ से, एकदम बहुत ज़्यादा, पूरा बहुत दूर आखरा है उन लोग का, तो वहाँ से चलते चलते आए फिर उधर गए, तो थक गए का बाबू, रंगीला तो बहुत ज़्यादा थक गया है, बहुत मज़ा आया दोस्तों, एकदम पूरा मज़ा आया, हम सोचे नहीं थे कि ऐसा भी होता है ऐसा रूल में, बस हम सोच रहे थे कि ऐसे कुछ होता है, ऐसे पूजा वगैरह होता होगा, और साड़ी पहन के कुछ कुछ लड़की सब से डांस करती है, तो इतना ज़्यादा भीड़ तो हम तो जान ही नहीं रहे थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पूरा एकदम मज़ा आ गया, एंजॉय कर लिए। तो वेट करते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, कब ठीक है। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं दोस्तों, और अभी लाइट आ चुका है, तो उठ गए हैं खाना खाने के लिए, और उठ के और खाना था ना वोला गरम कर लिए हैं, और एक तो खीरा छोल के और रेडी कर लिए हैं, इसका सलाद बनाएंगे, और खाना और भात और सब्जी तो गरम कर लिए हैं, ये वाला काट देते हैं, सलाद खाएंगे एकदम मस्त से, का बाबू देखिए रंगीला भी ड्रेस चेंज कर लिया है, और अभी खाने का वेट कर रहा है ना बाबू, खाएगा भात, ये आके सो गया, उसके बाद फिर से अभी उठ गया है, और देखिए अभी कैसा एकदम पूरा फ्रेश हो गया है ना बाबू। अब चलते हैं दोस्तों, खीरा काट देते हैं सलाद के लिए, क्या एकदम मस्त कटा रहा है दोस्तों, सलाद और भात और सब्जी खाएंगे अभी हम और रंगीला। तो हम खीरा काट के रेडी कर लिए दोस्तों, और देखिए रंगीला अभी ये खाने लगा, क्या इतना पसंद है ना इसको, इसीलिए बहुत ज्यादा सलाद खाता है। तो हम अभी काट लिए हैं, अब चलते हैं खाना बांटते हैं। और आज दोस्तों सुबह में बनाए थे हम नेनुआ और आलू का सब्जी, तो देखिए बचा हुआ है, तो इसको गरम कर लिए हैं अच्छा तरह से, गरम हो गया है और ढक दिए थे, और इधर देखिए भात भी बचा हुआ है, तो फटाफट बांटते हैं क्योंकि काफ़ी भूख लग रहा है, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, वेट कर कर के थे कब लाइट आएगा तो खाएंगे, कब लाइट आएगा तो खाएंगे, क्योंकि कैंडल और हम खरीदे नहीं हैं, तो मोबाइल का लाइट से कितना, और चार्ज भी नहीं था क्योंकि सरहुल भी था और इधर ईद भी था ना, तो दोनों की वजह से ना 2 बजे से ही लाइट काट दिया था सुबह से ही, तो पानी भी खत्म हो गया था, तो अभी अभी पानी भरा आया है, और क्या बोलते हैं लाइट भी कटा हुआ था, तो खाएंगे कैसे, फोन चार्ज नहीं था इसीलिए। तो अब चलते हैं फटाफट खाना काटते हैं, ये रंगीला के लिए, इतना ठीक है, दाल नहीं है, सब्जी है, सब्जी नेनुआ का सब्जी खाएगा, वही वाला है बाबू,
क्या चीज चटनी बना दी तेरे लिए? टमाटर का। बाप इसका अलग फरमाइश रहता है। खा के देखो ना एक बार, नहीं नहीं अच्छा लगे खाना तो बना देंगे। लो खा के देखो। कहाँ गाजर मिसा देगा? गाजर ठीक है मिसा दो। गाजर मिक्स कर देने खोज रहा है सलाद में। तो खाना हम बांट लिए दोस्तों, अब नीचे करते हैं और यहीं पर खाएंगे। रखो, देखिए काट रहा है। नहीं बाबू काटा जाएगा, तुम दो हम काट देते हैं। हाँ कटा जाएगा, कटा जाएगा, दो ना हम काट देते हैं। बड़ा बड़ा काट। अरे, गिर गया। अरे, अरे दो हो जाएगा दो को में। ठीक है हम काट दे रहे हैं धो के। बड़ा बड़ा काट दे रहे हैं। ठीक है हो गया। तो हम गाजर भी काट लिए दोस्तों, और देखिए रंगीला स्टार्ट कर दिया खाना। इधर आ जा बाबू, इधर आ जा। लो नहीं जाएगा, खाते जाओ भात। लो आओ, अब चलते हैं दोस्तों, हम भी खाना खाते हैं। खाओ लगा। तो ठीक है टमाटर चटनी कर लो तुम, वहाँ झोला में है। ठीक है तो रंगीला टमाटर का चटनी बना लिया है दोस्तों। देखिए नमक और तेल डाल दिया है। कब बाबू? मिर्चा नहीं। मिर्चा नहीं कहे? हाँ ठीक है मिर्चा मत डालो। देखिए अब रंगीला बैठ गया है खाने के लिए टमाटर का चटनी के साथ। खाओ खाओ, अच्छा लग रहा है। खाओ। तो हम खाना पीना खा लिए दोस्तों, और बर्तन था जितना भी खा के वो सब सारा चीज धो लिए हैं। देखिए सारा बर्तन धो के रख दिए हैं। भात और सब्जी सारा चीज खत्म हो गया, तो सारा चीज अभी धो लिए ताकि सुबह फिर धोना ना पड़े। और इधर देखिए हम गर्म पानी होने के लिए दे दिए थे, तो गर्म हो गया है। चलते हैं गर्म करके, और फिर थोड़ा देर छोड़ देंगे ठंडा होगा, उसके बाद फिर पियेंगे। यहाँ टंकी जल्दी साफ नहीं होता है तो हम डेली गर्म करके ही पीते हैं, और रंगीला को भी गर्म पानी ही देते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों आराम करते हैं। रंगीला देखिए सो गया है एकदम, ऐसा ही सोता है, इसको इतना गर्मी लगता है ना। अब पंखा लेना पड़ेगा जल्दी से, इतना गर्मी हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गया है, तो पंखा लेना जरूरी हो गया है छत घर के लिए। तो पंखा भी खरीद लेंगे, भैया आएंगे उस दिन। तो अब चलते हैं दोस्तों आराम करेंगे। काफ़ी मज़ा आया एकदम, काफ़ी इंजॉय किए, और बहुत ज़्यादा अभी रात हो गया है, पैर सब भी दर्द दे रहा है। तो चलते हैं अब आराम करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग कहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।